तो दोस्तों बात इस समय की, जब मैं घर पे बैठ के अकेले बोर हो रहा था तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है, क्यों ना अपने दोस्तों के मज़े लिए जाए। फिर मैं अपने फ़ोन को निकालता हूँ और अपना फेसबुक ओपन करता हूँ और उसमें नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होता है एंजल प्रिया। फिर नए अकाउंट से मैं उनके बहुत ही मज़े लेता हूँ, अपने दोस्तों के बहुत ही उतिया बनाता हूँ उन्हें, पर पता नहीं उनको कैसे ये शौक हो जाता है मुझ पर। और भाई अब मुझे मारने के लिए वो लोग मेरे पास आ रहे हैं मुझे पिलने के लिए। अब मुझे अर्जेंटली अपना फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना होगा। ये तो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आप लोगों को फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा। तो आप लोग इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हो। वीडियो में बने रहिए, चलिए आप लोग मैं दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले फेसबुक ओपन करना है, ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। 3 डॉट पर आना है, सेटिंग पर आना है, मीटा पर क्लिक करना है, फिर नीचे आना है आप लोगों, इस पर जाना है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पे आओगे आप लोगों, नीचे लास्ट में दिखने को मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर क्लिक करना है आप लोगों। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को जानना है फेसबुक का पासवर्ड कैसे चेंज करें, ये वीडियो देखिए। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों, नीचे को देखने को मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड और डिलीटेशन। यहाँ से आप लोग प्रोफाइल पर आना है, ये देख सकते हो, यहाँ से आप लोग डीएक्टिवेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। हमें डिलीट करना है तो हमें इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू को देना है। यहाँ पे आप लोगों कोई भी रीज़न दे देना है, यहाँ पे हम कोई भी रीज़न दे देंगे, हमारे दोस्तों का रीज़न तो दिया नहीं है, हम ये रीज़न दे दिए कंटिन्यू। फिर यहाँ से आप लोगों नीचे देखने को मिलेगा निशान आप लोग, और यहाँ पर एक शर्त है आप लोगों के लिए, अकाउंट डिलीट करने के बाद आप लोगों को 30 दिन तक इसे ओपन नहीं करना है। आप लोग यहाँ पर पासवर्ड डाल के सिंपली डिलीट कर देना है और 30 दिन तक के ओपन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा।